दिस इज सलीना खोकर फ्रॉम आईपीएस लाहौर पाकिस्तान। आज हम आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है हमारी एक्ने स्किन, एक्ने एंड फ्लॉक्सी स्किन। हमारे पास ये जो हमारी मॉडल है इसकी स्किन को आप गौर से देख सकते हैं, इसकी स्किन में यहाँ पे ये फ्लॉक्स हैं, एक्ने है, वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड्स हैं और इस एरिया पे ये थोड़ा सा एक्टिव एक्नी है, इनके नीचे एक इन्फेक्शन है और ये फ्लॉक्सी स्किन भी है। ठीक है, इस स्किन को आज हम नेल करने जा रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे इनके एक्टिव एक्नी को जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो टेक्निक माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग हम इनके इन फ्लॉक्स के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड, हम इनकी एक्ने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो स्किन स्पेशली डिज़ाइन फॉर ऑयली स्किन और एक्ने के लिए जो प्रोडक्ट हम आज यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने हैंड को स्टरलाइज करूँगी हैंड स्टरलाइज़र के साथ। ठीक है, मैंने अपने हैंड को स्टरलाइज़र के साथ साफ कर दिया ताकि मेरे हैंड के नेल के कोई भी इन्फेक्शन जो है वो हमारे इस क्लाइंट के ऊपर, स्किन के ऊपर असरात ना पड़े। इसके बाद मैं पामर का स्ट्रीजेंट डीप स्किन क्लींजर यूज करूंगी। ये मैंने हाथ पे लिया, आईज क्लोज करें, क्लाइंट की आंखों को बहुत अच्छे तरीके से क्लोज करवा दें। एंटीबैक्टीरियल है, डीपर से डीपर स्किन की लेयर पे जाके क्लींजिंग करता है, सेबम की प्रोडक्शन को 5 मिनट के लिए मैं इनके फेस के ऊपर इसे लगा दूंगी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकी स्किन को बैक्टीरिया से और जो सेबम की ऊपर एक लेयर है जो आपको भी नजर आ रही थी ऑयली ऑयली, उसको हटाने के लिए हम इस पे पामर का एस्ट्रीजेंट यूज कर रहे हैं। और साथ में इसके बाद हम पामर का डीप क्लींजर एक्नी फॉर एक्नी स्किन यूज करेंगे। पामर यूएसए का ब्रांड है और 200 ईयर पुरानी कंपनी है और मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि स्किन की जो प्रोडक्ट है वो बहुत आला है। आपको आफ्टर 5 मिनट हम अपनी कॉटन के ऊपर थोड़ा सा एस्ट्रीजेंट लेंगे और स्किन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इनकी स्किन की डीप क्लींजिंग करेंगे। ये देख लें कि डीपर से डीपर पोर्स के अंदर से इसने कितना ज्यादा सेबियम निकाल दिया। कूलिंग इफेक्ट है थोड़ा सा, माइल्ड सैलिस एसिड है। नेक्स्ट कॉटन में लूंगी और नेक्स्ट कॉटन के ऊपर मैं पामर का स्किन टोनर। ठीक है, स्किन टोनर जो है वो मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि हमने पहले डीप क्लींजर इस्तेमाल किया, एस्ट्रीजेंट डीप क्लींजर और एस्ट्रीजेंट, और अब मैं स्किन टोनर इस्तेमाल। स्किन टोनर जो है वो आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा, स्किन की ड्राइनेस को और डलनेस को कम करेगा। टोनर रोजाना अपनी स्किन के ऊपर यूज करने का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन को टोन अप करता है। टोनर का मतलब है वो आपकी स्किन को टोन अप करता है, अनइवन टोन को इवन करने के लिए स्किन के ऊपर से बैक्टीरिया, डेड लेयर और डस्ट मट्टी की जो लेयर की वजह से आपकी स्किन में डलनेस आती है, टोनर उसको इवन टोन करता है। ठीक है, पामर का इवन टोन टोनर जो है कूलिंग इफेक्ट के साथ विटामिन ई प्लस एलोवेरा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको इस्तेमाल करें। 2 मिनट वेट करने के बाद मैं इनके फेस के ऊपर यूज करूंगी पामर का फोमिंग क्लींजर।
फोमिंग क्लींजर यूज कर रही हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे आपका क्लींजर और टोनर नहीं पहुंच सकता, फोमिंग क्लींजर वहां से डस्ट, मट्टी और डाइट और सीबीएम की एक्स्ट्रा जो लेयर है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करेगा। एक चीज यूज आप लोगों को बता दूं कि आपने फेशियल के दरमियान पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पानी का इस्तेमाल करने से हमेशा आपकी जो प्रोडक्ट है वो डाइल्यूट हो जाती है और उसके अंदर जितने भी एसिड होते हैं और जितनी भी उसकी इंग्रेडिएंट्स होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, और जब वो डाइल्यूट हो जाती है तो स्किन के ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ता है पॉजिटिव असर की बजाय। अभी आपने क्लींजर लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ा है, उसके बाद अब हम स्किन को क्लींस करेंगे। क्लींस करने के लिए हम पानी के अंदर पहले से हम लोगों ने टी ट्री ऑयल मिक्स है इसके अंदर, इस तरह से बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ ये रेडनेस बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने डीप क्लींजिंग कर ली, सबसे पहले स्टेप 1 हमने एस्ट्रीजेंट यूज किया, स्टेप 2 हमने टोनर यूज किया पामर का, उसके बाद फिर हम लोगों ने पामर का फॉर्मिंग क्लींजिंग यूज किया। अब हम स्टेप 3 के ऊपर, चूंकि इनकी स्किन के ऊपर स्पॉट है उनके लिए और फ्लॉक्सी स्किन के लिए, और उसके लिए मैं ऑक्सीजनेटिंग फेस यूज करूंगी। ये जिन एरिया पे मुझे जरूरत है मैं वहां पे 2 से 3 मिनट जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। आफ्टर 3 मिनट्स हम इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से रिमूव करेंगे और देन फिर इसके ऊपर हम लोग टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर 5 मिनट हम ये ब्रश यूज कर रहे हैं, इसके बहुत सॉफ्ट एंड फाइन जो ये टीथ है ये स्मूथली इनके स्किन के डेड लेयर को रिमूव करेंगे, और ये एरिया था हमारा टारगेटेड जहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजनेटिंग पीलिंग लगाई थी। बहुत सॉफ्ट हैंड से 5 से 7 दफा डाउनवर्ड अपवर्ड सर्कुलर मोशन।